राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार का बयान उन्होंने 84 के दंगों को लेकर दिया है, हमारे सिख बंधुओं और पूरे हिंदुस्तान के जो घाव पे नमक लगाने का काम उन्होंने किया है, उसके लिए राहुल जी को शर्म आना चाहिए। क्या राहुल जी नहीं जानते हैं कि 84 में उनके पिताश्री और हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। नतीजा क्या हुआ? 3000 से अधिक सिखों का कत्लेआम हुआ पूरे हिंदुस्तान में। टायर डाल के गर्दनों में सिखों को जिंदा जलाया गया हिंदुस्तान की सड़कों पर। क्या राहुल गांधी ये सब नहीं जानते हैं? जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, HKL भगत, ये किसके सदस्य हैं? अगर कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ये लोग किसके सदस्य हैं जिनके कहने पर सिख दंगे पूरे हिंदुस्तान में हुए और दिल्ली में हम सब ने इसका नजारा देखा है? क्या राहुल गांधी भूल गए कि किस प्रकार से कोर्ट ने भी उनके पार्टी को और उस समय के सरकार को लताड़ा था? राहुल गांधी जी, आज जो आप जख्मों को हरा करने का काम कर रहे हो, ये कहकर कि कांग्रेस का हाथ 84 के दंगे में नहीं था, आप कान खोल के सुन लीजिए, हिंदुस्तान की जनता कह रही है, ना केवल कांग्रेस का हाथ अपितु पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी 84 के दंगे में सम्मिलित थी। इस कारण जो आज आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता आपको क्षमा नहीं करने वाली।